डैड, आपने बुलाया हमें? हाँ सिद्धार्थ, मुझे तुम दोनों की मदद की जरूरत है। हाँ बोलिए डैड। मेरी सेहत मुझे इजाजत नहीं दे रही है, वरना मैं तुम्हें यह तकलीफ नहीं देता। लेकिन अब इस उम्र में लंदन की सर्दी बर्दाश्त नहीं कर सकता हूं मैं। ये फिर से लंदन जाने वाली बात? मैं सिर्फ लंदन होकर आने की बात नहीं कर रहा हूं बेटे, लंदन जाकर रहने की बात कर रहा हूं। मेरे ख्याल में तुम लंदन शिफ्ट हो जाओ। पापा मतलब सिद्धार्थ लंदन शिफ्ट हो जाएगा? सिर्फ सिद्धार्थ नहीं, तुम दोनों लंदन जाओगे, वहां अपना घर बसाओगे। मतलब ये नहीं है कि हम कहां रहते हैं, मतलब ये है कि आप यहां अकेले रहेंगे। बेशक बेशक, मेरे कहने का यही मतलब है। तुम दोनों लंदन जाने की तैयारियां शुरू करो। टिकट्स। डैड, डैड आप तो हमेशा साथ में रहने की बात किया करते थे ना, मैंने तो कभी सोचा भी नहीं था कि आपको और मुझे अपनी अपनी जिंदगी इतनी दूर बसर करनी पड़ेगी। कि देखो बेटे, देखो, इंसान जब अपने आगे की जिंदगी के सपने देखना शुरू करता है तब शायद ये भूल जाता है कि उसका भविष्य उसके हाथ कम और उसका मुकद्दर ज्यादा बनाता है। और मैं भी जब इस तरह की बातें किया करता था तब मुझे इस बात का थोड़ी एहसास था कि मेरा आज इस तरह का होगा जैसा आज है। पर इस आज में ऐसा हुआ क्या है पापा जो हमें जुदा होना पड़ रहा है? पापा, आपको यहां अकेले छोड़कर क्या हम रह पाएंगे? क्या आप इस तरह से अकेले जी पाएंगे? नहीं, ऐसी कौन सी कमी है पापा? ऐसा कौन सा पैसा कमाना है, ऐसा कौन सा बिजनेस बढ़ाना है जिसकी हमें इतनी बड़ी कीमत अदा करनी पड़ेगी? बैंक अकाउंट्स को आबाद करने के लिए हम अपनी जिंदगी वीरान कर लें? बात ऐसी नहीं है। पैसा थोड़ा कम होगा चलेगा पापा, पापा पर हमारी छोटी सी दुनिया जिसकी आबादी कुल मिलाकर 3 है उसे और भी छोटे हिस्सों में बांटना आपका फैसला गलत है पापा। बहू, सही हो या गलत, ये मेरा फैसला नहीं, ये मेरा हुक्म है। अब इस पर न कोई बात न बहस, लंदन जाने की तैयारी शुरू करो। हेलो। हेलो देवदत्त। हेलो देवदत्त। हेलो देवदत्त, मैं तुमसे बात कर रहा हूं। देवदत्त, देवदत्त यार ऐसा मत कर यार, तेरी मदद की मुझे इस वक्त बहुत जरूरत है इसलिए तुम्हें इतना भाव दे रहा हूं, वरना मुझसे बात ना करने की तुम्हें मैं जरूर सजा देता, कभी माफ नहीं करता। ठीक है ठीक है, गिले शिकवे बाद में, पहले ये बताओ क्या जरूरत आन पड़ी है? तुम ठीक तो हो ना? फिलहाल तो ठीक हूं मैं, लेकिन देवदत्त आने वाले हर दिन से घबराहट सी महसूस हो रही है। सोचता हूं तो जी ऐसा घबराते है कि लगता है कैसा रहूंगा मैं। कैसे रहूंगा मतलब? देवदत्त, मैं सिद्धार्थ और बहू को लंदन शिफ्ट कर रहा हूं। क्या तू सिद्धार्थ को लंदन भेज रहा है? पर क्यों? एक मजबूर बाप ही अपने बेटे को अपने से इतना दूर भेज सकता है देवदत्त, और इस दौरान तो इस बाप की मजबूरी और ही बढ़ती गई है। वो जो इत्तेफाक होने शुरू हुए थे सिद्धू की शादी के बाद, वो आजकल बढ़ते ही चले जा रहे हैं। पहले पहले मैंने बहुत कोशिश की मीरा की सारी यादों को इस घर से मिटाने की, ताकि हालात कुछ बेहतर हो, और अब ऐसा समझ में आ रहा है कि बहू को ही मीरा की यादों से इस घर से दूर कर देने में भलाई है, और वो भी हो सके उतना जल्दी, क्योंकि
अब तो सिद्धार्थ भी सवाल करने लगा है। सिद्धार्थ का इतनी दूर जाकर बस जाना कुछ अच्छा नहीं लग रहा। कोई और रास्ता निकल पाता तो। अपनी पूरी दुनिया खोद के रख दी उन रास्तों की तलाश में। रास्ता नहीं निकला। अब देखना हमारी दोस्ती तक पर असर डाला इस बात ने। कनिका ने ऐन वक्त पे आके माया की मां के सामने शादी का जो नाटक किया, इस नाटक की एकमात्र प्रेक्षक थी दयाबेन, जो कल परसों में चली जाएगी और कनिका भी वापस घर आ जाएगी। ये बिल्कुल सही कह रहे हैं अंकल। ये रंगमंच पर चल रहा एक नाटक था जिसका एक आध शो बाकी है और कल परसों खत्म हो जाएगा। सुना है सिद्धार्थ लंदन जा रहा है। अगर ऐसा होना था तो पहले ही हो जाता। ये जो हो रहा है ठीक नहीं हो रहा है। इसका कोई और हल निकालना ही पड़ेगा। पर मेरे पास बस सिर्फ ये आखिरी रास्ता बचा हुआ था जिस पर मैं चल दिया हूं। इस बड़े घर की तनाही में कंगाल बैठा अमरनाथ, पर सिद्धार्थ के लिए ये कंगाल होना ही समाधान है तो मुझे मंजूर है। अंकल थोड़ी सी मोहलत और दीजिए प्लीज। इतनी जल्दी मत कीजिए। जितनी हो गई उतनी बहुत हो गई कनिका। अब इससे ज्यादा देर नहीं हो सकती। मैंने बहू को और सिद्धार्थ को तैयारी करने के लिए कह दिया है। डैड, वैसे तो आप बहुत नॉर्मल बिहेव कर रहे हैं, लेकिन क्या यह सच नहीं है कि मैं लंदन जा रहा हूं ये वाली बात लेकर आप बहुत परेशान हैं? देखो बेटे, दुनिया का हर बाप और बेटा हमेशा साथ में नहीं रहता है। हाँ, दुनिया का हर बाप आपकी तरह भी नहीं होता है। आमतौर पर जैसे बाप होते हैं अगर आप वैसे भी होते तो भी कोई परेशानी नहीं थी, लेकिन 25 साल एक ही रिश्ते पर बसर किए। आप ही मेरे बाप, आप ही मेरी मां, मेरे बड़े भाई रहे, मेरे गुरु। कभी छोटे भाई की तरह शरारत करते तो कभी दोस्तों की तरह यारी निभाते। आपको छोड़ के जाने का मतलब है कि इन सभी रिश्तों को छोड़कर जाना। देखो बेटे, जाना तो तुझे पड़ेगा ही। बेशक मैं जाऊंगा, ये जानते हुए कि ये बिजनेस नहीं किसी और वजह से मैं जा रहा हूं, ये भी जानते हुए कि मुझसे असल बात छिपाई जा रही है। मगर डैड, मैं ये भी जानता हूं कि आप मेरा अच्छा ही चाहेंगे और कुछ नहीं। इसलिए आज के बाद मैं ना आपसे वजह पूछूंगा और ना ही कभी जानने की कोशिश करूंगा। आपके फैसले पर मैं अंधविश्वास कर चला जाऊंगा। लेकिन जब जा ही रहे हैं तो क्यों ना राजी खुशी जाए। कम किस्मत का, मन में ये उम्मीद तो है कि फिर वापस एक साथ कभी रहेंगे। मेरे लिए सब कुछ बहुत बहुत आसान कर दिया तुमने। तुम मेरी ताकत बन गए हो सिद्ध। गले लगने का एक नाजायज फायदा उठा सकता हूं। एक रिक्वेस्ट है। बोलो बेटे।
बोलो, क्या हमारा लंदन जाना 2 दिन पोस्टपोन हो सकता है? देखिए डैड, परसों आपका जन्मदिन है और माया आपका जन्मदिन बहुत अलग तरह से मनाना चाहती है। कुछ कुछ अलग प्लान्स हैं उसके। डैड प्लीज। Granted. Granted. Thank you. Thank you. हाँ नरेंद्र भाई, थोड़ा पात्रा बनाओ। ढोकला खंडवी तो छे, पूरणपोळी पण थोड़ी बनावजो आपणा गुजराती। स्वामी, अरे ये मेहमानों की इतनी लंबी चौड़ी फेरिस क्यों बना रखी है? क्या जरूरत? एक मिनट नरेंद्र भाई, हूँ पची बात करू छू। साहब बस 2 मिनट, मैं जरा कैटर से जरा हिसाब जोड़ रहा हूँ, कुछ आइटमें लिखवानी है। क्या क्या मंगवाया है बताओ मेरे को। चालू रख जो। जैसे शाम से राधा कहे, जैसे शाम से जैसे शाम से राधा कहे, जैसे शाम से। ये बहू जो गाना गुनगुना रही है, सुना आपने? सालों से मैं ये गाना सुनती आई हूँ। बचपन से ही माया यही गाना गुनगुनाती है। अच्छा, लेकिन ये गाना उसने सीखा कहाँ से? पता नहीं कहाँ से सीखा, पर क्यों अमर नाथ जी? नहीं ऐसे ही, ऐसे ही कुछ नहीं। नहीं, सब ठीक हो जाएगा, आप इत्मीनान रखिए। राधा कहे जैसे शाम से। सासुमा, आज तो ससुर जी का जन्मदिन है और आप यहाँ अकेली बैठी क्या कर रही हैं? किसी पाप का प्रायश्चित कर रही हैं? प्लीज मुझे अकेला छोड़ दो। अच्छा, आप ये मुंह तो मीठा कर लीजिए, लीजिए। माया, मैंने तुमसे कहा कि प्लीज यहाँ से चली जाओ। जब तुम्हें सलाह दी गई थी हमारी जिंदगी से चले जाने की, तो क्या तुम चली गई थी कनिका? क्या मिला तुम्हें ये सब करके कनिका? आज पापा का जन्मदिन है और तुम्हें कोई पूछ तक नहीं रहा। वैसे इस नाजायज हक वाली ये आखिरी रात है, कल सुबह तुम्हें इस घर से चले जाना है। जाकर बस इतना जरूर करना, अपने लिए अपनी ही नजरों में कुछ इज्जत जरूर कमा लेना कनिका। कल तो बहुत दूर है माया, जितना वक्त है वो मेरे लिए काफी है। और हो सकता है कि मैं कल ना जाऊं और शायद तुम्हें और सिद्धार्थ को ही जाना पड़े। इस घर से कौन जाता है ये तो बाद में देखेंगे कनिका। वैसे तुम्हें तो किसी ने न्योता दिया नहीं होगा, इसलिए मैं ही तुम्हें इनवाइट करने आ गई पापा के बर्थडे सेलिब्रेशन पर। आओ और आकर देखो कनिका कि जायज रिश्ते किस गुरूर से रिश्ता निभाते हैं।
सपना नहीं।